जय माँ बगलामुखी, जय माँ पीतांबरा। आप सभी दर्शन कर पा रहे हैं माँ बगलामुखी पीठ साहूगी में विराजी ब्रह्मास्त्र महाविद्या जगत जननी परमेश्वरी माँ पीतांबरा माता जी के। और आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि माँ बगलामुखी माता माँ पीतांबरा माता की शरण में राजनेता राजसत्ता की प्राप्ति करने के लिए क्यों जाते हैं, क्यों माँ पीतांबरा की शरण में नेता अभिनेता राजनेता समाज सेवा वाले नेता माँ के दरबार में जाकर माँ भगवती बगलामुखी मैया से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और माता रानी की कृपा से ही विजय भी होते हैं। जैसे कि हमने सुना है कि जवाहरलाल नेहरू जी पर भी माँ भगवती की कृपा हुई है, संजय दत्त जी भी माँ बगलामुखी माँ की शरण में गए हैं, फिल्म अभिनेता गोविंदा अपनी धर्मपत्नी के साथ माँ बगलामुखी माता जी की शरण में गए हैं। आप सभी ने मध्य प्रदेश के भी बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को माँ बगलामुखी दरबार में अनुष्ठान पूजन करवाने के लिए जाते देखा होगा और चुनाव आते ही बड़े बड़े राजनेता माँ पीतांबरा के दरबार जाकर अनुष्ठान करवाते। बैतूल जिले के ग्राम साउगी में जो माँ बगलामुखी माता जी का दिव्य पीठ निर्माण हुआ है, यहाँ पर माँ भगवती बगलामुखी माता जी विराजमान है। इस पीठ की सबसे बड़ी खासियत तो यह है कि यहाँ पर जो हमारे गुरुदेव जी हैं, हमारे दिव्य गुरु महाराज जी हैं, जिन्होंने 3 माह 13 दिनों तक की अखंड ब्रह्म ध्यानालीन समाधि ली है, जिन्होंने अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत किया है, जो आध्यात्मिक यात्रा को पूर्ण कर चुके अर्थात मूलाधार से स्वादिष्टान अनाहत मणिपुर विशुद्ध आज्ञा और अनाहत चक्र सारे चक्रों को जागृत करके अखंड ब्रह्म ध्यानालीन समाधि ली है उन्होंने। उन्हीं दिव्य गुरु महाराज द्वारा यहाँ पे 1 माह से अधिक तप किया गया है और तप करने के बाद माँ भगवती को 9 दिवसीय तांत्रिक वैदिक पद्धति के माध्यम से माँ भगवती की पूर्ण प्राण प्रतिष्ठा की गई है। वैसे तो माँ भगवती बगलामुखी माँ सभी दरबारों में विराजमान है, सभी जगह अपनी वैभवशाली सत्ता के साथ विराजमान है, लेकिन माँ बगलामुखी माता जी के वह साधक भी तो होना चाहिए जिन्होंने माँ भगवती को अपने हृदय रूप में जागृत किया हो, उनके हृदय में माँ भगवती का एक छोटा सा बिंदु जागृत हुआ हो। ऐसे संत ऋषि मुनि महात्मा और साधक सिद्ध महात्मा के माध्यम से अगर आप अनुष्ठान पूजन यज्ञ हवन करवाते हो तो उसका आपको 100% फल मिलेगा। और माँ बगलामुखी माता जी तो राजसत्ता की देवी है, कोर्ट कचहरी की महारानी है, जो माँ भगवती की शरण में आता है माँ भगवती उसे विजय देती है, विजय दिलाती है। तो आप सभी भी माँ भगवती बगलामुखी माता जी के सांगी के पीठ के दर्शन करें और माँ बगलामुखी माता जी की दीक्षा लेकर माँ बगलामुखी माँ की साधना करें और राजसत्ता सुख को प्राप्त करें। आप भी बन सकते हो विधायक, आप भी बन सकते हो सांसद, आप भी बन सकते हो सरपंच, आप भी बन सकते हो जिला पंचायत सदस्य, आप भी बन सकते हो जनपद पंचायत सदस्य। माँ भगवती की कृपा रही तो राजा भी रंक बन सकता है और रंक भी राजा बन सकता है। तो आप सभी भी माँ भगवती बगलामुखी माता जी से जुड़े, माँ बगलामुखी माता जी को अपनी इष्ट देवी के रूप में प्राप्त करें और जन कल्याण करें। जय माँ बगलामुखी।